जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। हमारे देश में क्या होता है कि हम पहले छलांग लगा देते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि कुएं में कितना पानी है, पानी कितना गहरा है, पानी है भी या नहीं है। नोटबंदी के दौरान भी यही हुआ था और अब प्रधानमंत्री ने रविवार रात 9 बजे जो ये घोषणा की है कि 9 मिनट के लिए हम तमाम लाइट्स को स्विच ऑफ कर देंगे और अपने बालकनीज में खड़े होकर दिए जलाएंगे या टॉर्च जलाएंगे या मोबाइल फोन की लाइट जलाएंगे। अब इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त अफरा तफरी मच गई है। तमाम जो विद्युत बोर्ड हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे एनटीपीसी हो और महाराष्ट्र सरकार ने तो इसके खिलाफ बगावत कर दी है। देखिए दोस्तों, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि रात 9 बजे, जैसे कि प्रधानमंत्री का फरमान है, आदेश है, रात 9 बजे आप लाइट स्विच ऑफ करेंगे। पूरे देश में एक साथ लाइट स्विच ऑफ होगी और 9 मिनट बाद उसे फिर ऑन करेंगे। आप सोचते हैं अचानक जो है कंजम्पशन कम हो जाएगा और फिर अचानक बढ़ोतरी हो जाएगी, इससे होगा क्या? देश भर में कई जगह पर ग्रिड फेलियर हो सकता है, जिससे एक नई किस्म की समस्या पेश आ सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने तो यह चेतावनी दी है कि यह फैसला अवैज्ञानिक है, जिसके चलते बहुत दिक्कतें पेश आ सकती हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, मगर सबसे पहले मैं चाहता हूं आप महाराष्ट्र सरकार में जो पावर मिनिस्टर हैं नितिन राउत, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। जर सर्वांनी अचानक दिवे बंद केले तर ग्रिड फेल होऊन सर्व पॉवर स्टेशन हाय फ्रिक्वेन्सीवर ट्रिप होतील, संपूर्ण राज्य अंधारात जाईल। महाराष्ट्र सारखे मोठे पॉवर डिमांड असलेल्या राज्यात जर ग्रीड फेल्युअरमुळे सर्व पॉवर स्टेशन बंद पडले तर मल्टी स्टेट ग्रीड फेल्युअर होईल आणि पूर्ण देश अंधारात जाईल। अत्यावश्यक सेवा, हॉस्पिटल सेवा विस्कळीत होतील। एक पॉवर स्टेशन सर्व्हिसमध्ये यायला साधारणतः 16 तास लागतात। याप्रमाणे सर्व परिस्थिती नॉर्मल व्हायला साधारणतः 1 आठवडा जाईल। म्हणून मला जनतेला सल्ला द्यायचा आहे की आपण कृपया आपण करणाऱ्या कृतीचा पुनर्विचार करावा। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के महासचिव सचिन सावंत, कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की, क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। अभी सर भाई, ऐसा है कि महाराष्ट्र में वैसे ही बिजली की डिमांड बहुत कम हो चुकी है। इंडस्ट्री बंद होने की वजह से जो पहले 23,000 मेगावाट की डिमांड रहती थी, अब 13,000 मेगावाट तक कम हो चुकी है। और ये सभी जो लोड है, ये सिर्फ रेसिडेंशियल और इसेंशियल सर्विस है, जिसमें हॉस्पिटल सेवाएँ आती है, उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे वक्त में अगर 5 अप्रैल को 9 बजे एक साथ लोगों ने लाइटें बंद कर दी पूरे देश भर में, तो डिमांड अचानक कम हो जाएगी और इसका असर फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से पावर ट्रिप होने के ऊपर हो सकता है, ग्रिड फेल्योर हो सकती है। सेंटर की ग्रिड होती है, स्टेट की ग्रिड होती है, और ये जो डिमांड और सप्लाई का जो मेल है वो पहले ही जो बिगड़ चुका है वो और भी गंभीर अवस्था में पहुँच सकता है और महाराष्ट्र अंधकार में जा सकता है, ऐसी परिस्थिति निश्चित तौर पर है। अच्छा, ये अभूतपूर्व परिस्थिति है, ऐसे पहले किसी भी सरकार ने कोई भी प्रयास नहीं किया था, ऐसी परिस्थितियाँ कभी नहीं आई थी। तो पावर सेक्टर के कोई भी अधिकारी को अगर आप कहें तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको उपाय योजना करना है तो क्या हम लोग ये पूरा जो डिमांड और सप्लाई का गैप जो इतना कम होने के बाद क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो वो निश्चित तौर पर विश्वास से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पूरा पुराना कोई डेटा है नहीं। तो निश्चित तौर पर ये महाराष्ट्र अंधकार में जाने की परिस्थिति आ सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे का भी मानना है कि इस मुद्दे के पीछे सियासत ज्यादा है, सोच कम है, और अगर इसे त्यागा नहीं गया, इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, सुनते हैं। अभिसार जी, सच्चाई तो ये है कि सब लोग अगर एक साथ पूरे देश में अंधेरा कर देंगे तो सेंट्रल और स्टेट ग्रिड में हाई फ्रीक्वेंसी फेल्योर होने की संभावना ज़्यादा है। ये मैं नहीं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये इस क्षेत्र के तज्ञ कह रहे हैं। तो सवाल ये उठता है
कि प्रधानमंत्री ने इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये तज्ञों से बात करके सलाह मशवरा करके सोचा नहीं क्या? प्रधानमंत्री जी मेरे मन को भाया और मैंने पूरा देश अंधकार में डाल दिया, इस तरह का एटीट्यूड जो है वो गलत है। इस निर्णय पर हमारी विनती है, आज कोई विरोध विपक्ष नहीं है, कोई सत्ता पक्ष नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपसे विनती है कि इस निर्णय के बारे में आप सोचें। और जनता से भी ये हमारी विनती है कि आप दिए मोमबत्ती टॉर्च जो भी लगाना है ज़रूर लगाइए, लेकिन घर के दिए मत बुझाइए, क्योंकि आपके दियों पर कई घर के चराग जो है वो जलने वाले हैं, वो जलते रहेंगे, इसकी आप जरूर चिंता कीजिए। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की आलोचना के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है और ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। उनका कहना है, द अपील ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू द पीपल इज टू वॉलंटेरिली स्विच ऑफ द लाइट्स एट 9 PM ऑन द 5th April 2020। देर इज नो कॉल टू स्विच ऑफ either street lights or appliances like TVs, refrigerators and ACs in homes. Adequate arrangements and protocols are in place to handle the variation in demand. People should be assured not to worry and continue running all the appliances as usual. Local bodies may be advised to keep the street lights on so as to avoid any law and order problems. अब मैं आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड का यह फरमान दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड में इस फरमान में लगभग कह दिया है कि अगर आपको मोमबत्ती जलाना है, टॉर्च जलाना है, तो आप जलाइए। हालांकि यह नहीं कहा उन्होंने, मगर उन्होंने यह लगभग कह दिया है कि बिजली स्विच ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे एक बहुत जबरदस्त बिजली संकट सामने उभर कर आ सकता है। और कीजिए कि इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि उनके बिजली विभाग ने लिखा है। पहली बात, ऑन द अबव सेड ओकेजन इट इज एस्टिमेटेड दैट इन केस ऑफ स्विचिंग ऑफ लाइटिंग लोड इन उत्तर प्रदेश अप्रोक्सीमेटली 3000 मेगावाट शार्प लोड रिडक्शन फिनोमिनन मे अकर इन द स्टेट इन अ वेरी लिटिल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसका अर्थ यह है 3000 मेगावाट पार जो है उसकी कमी अचानक आएगी जैसे ही 9 बजे हम बिजली स्विच ऑफ करेंगे। दूसरी बात, रिडक्शन ऑफ द अबव मेंशन लोड में ऑल्सो कॉज अ हाई वोल्टेज सर्ज इन उत्तर प्रदेश पावर ग्रिड। द अबव सेड हाई वोल्टेज कंडीशन मे बी इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ सिमिलर फिनोमिनन अकरिंग इन द होल कंट्री इंक्लूडिंग PGCIL नेटवर्क, जिसका अर्थ यह है कि जैसे ही हम ये करेंगे अचानक वोल्टेज में एक जबरदस्त उछाल आएगा और इसकी वजह से कई दिक्कतें पेश आ सकती हैं। अब देखिए ये फरमान, इस फरमान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने पेश आ सकती है। यहां तक कि इस फरमान में यह कहा गया है कि जो बिजली का स्टाफ है तमाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में वो मौजूद रहे ताकि अगर कोई समस्या पेश आए तो हम उसका सामना कर सकें। जो बात मुझे समझ नहीं आती कि जब देश के प्रधानमंत्री इतना अहम फैसला लेते हैं, और आपको याद होगा कल मैंने अपने वीडियो में इसकी तारीफ की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अकेलेपन का जवाब ढूंढ रहे हैं, इसके जरिए यह संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हैं। देखिए मैं नहीं जानता हूं कि इसके जरिए वो ये संदेश देना चाह रहे हैं या इसके जरिए कहीं ना कहीं एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन है ये बतलाने के लिए कि मैं जो भी कहूंगा देश की जनता वो करेगी। मगर देश की जनता से ये अपील जरूर की जाए कि आप जो करें कृपया उसके पीछे लॉजिक पर गौर फरमाएं, क्योंकि देश पहले ही कोरोना संकट से जूझ रहा है। अगर एक बिजली संकट पूरे देश में पेश आ जाता है, ग्रिड फेल हो सकता है, और जैसे कि आपने सुना भी इसका सीधा असर हमारे अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर पड़ सकता है, तमाम जगहों पर पड़ सकता है। लिहाजा मेरी भी आपसे अपील कि लाइट्स स्विच ऑफ मत कीजिए, और अगर करना है तो उसको लेकर कुछ नियम हैं जिसके बारे में तमाम बोर्ड्स बात कर रहे हैं, कृपया उसका अनुसरण करें। इससे पहले कि मैं आगे आपसे बात करूं, एक चीज को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करना चाहता हूं, खासकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा ने अपने पार्टी के नेताओं को कहा है कि तबलीग जमात की एवज में मुसलमानों को टारगेट करना बंद करें। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, यह खबर आपके सामने है।
राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में गुरुवार की शाम को नड्डा ने कहा कि किसी भी पार्टी नेता को भड़काऊ या विभाजनकारी बयान नहीं देना है, साथ ही प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों को कोरोना के खिलाफ जंग में समर्थन देना है, इस बात से प्रभावित नहीं होना है कि कौन सी पार्टी किस राज्य में सत्ता में है। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमें पहले ही निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह की उकसाऊ बात नहीं करनी है, हम पर देश के नेतृत्व की एक बड़ी जिम्मेदारी है, इस वायरस ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। तो मैं तारीफ करना चाहूंगा इस बात को लेकर जो जेपी नड्डा साहब ने कहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे दिल्ली दंगे हो, चाहे शाहीन बाग हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा भड़काऊ बात अगर किसी ने कही है तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने कही है, चाहे अनुराग ठाकुर हो, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो, बेहोश मिश्रा, मेरा मतलब कपिल मिश्रा हो, ये तमाम लोग जो हैं इनसे ज्यादा जहरीले बयान किसी ने नहीं दिए और ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। क्योंकि कुछ लोग अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में संबित पात्रा यहां राजनीतिक कार्यकर्ता शहला रशीद को ट्रोल कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी देखा है, संबित पात्रा अक्सर मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम एक्टिविस्ट, मुस्लिम पत्रकारों को ट्रोल करते पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ऐसा करने से जो उनका समर्थक वर्ग है वो खुश होगा, और खुश भी होता है, जाहिर सी बात है। तबलीगी जमात के एवज में इस वक्त जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके बारे में अनाप शनाप चीजें कही जा रही हैं, वो एक सभ्य समाज के लिए शर्मिंदगी का सबब है। और एक और चीज जिसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा गुजरात गवर्नमेंट की, वो आपके सामने है। गुजरात गवर्नमेंट ने 7 लोगों को मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान फैलाने के चक्कर में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आपके स्क्रीन पर यह खबर है, क्योंकि हो क्या रहा है, तबलीगी जमात के एवज में उनके चलते जो 650 लोग देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, उसके चलते हो क्या रहा है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, जिसके चलते अब गुजरात सरकार ने भी 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं अपनी सरकार से, मैं भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की जवाबदेही की उम्मीद करता हूं। एक तबलीगी जमात के अपराध या उनके गुनाह से आप सभी मुसलमानों को टारगेट नहीं कर सकते। यह एक बहुत ही मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, और इस दौर में एकता बनाए रखना अपने आप में बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो दिए जलाने की बात या जो कैंडल जलाने की बात कही है, उसके पीछे का उस सोच क्या है, अब उसमें प्लानिंग ना की गई हो, जिसका मैंने आपको जिक्र कार्यक्रम की शुरुआत में किया है, वो एक अलग बात है, मगर जो सोच है उस पर आपको गौर करना चाहिए। सोच ये है कि हम सब एक हैं और इस पर गौर करने की बहुत जरूरत है। आप जानते हैं मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि जहां यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री का जो फरमान है कि रविवार रात को 9 बजे हम तमाम लाइट्स को स्विच ऑफ कर दें, उसके पीछे किसी तरह की प्लानिंग नहीं हुई है, इसके पीछे का जो विज्ञान है उस पर गौर नहीं किया गया है। अलबत्ता हो क्या रहा है, एक समानांतर तौर पर एक प्रचार तंत्र काम कर रहा है और उस प्रचार तंत्र पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। आपके स्क्रीन पर यह शख्स हैं के अग्रवाल। ये वो शख्स हैं जो अक्सर टीवी चैनल्स पर पाए जाते हैं जब भी कोई आरोग्य से जुड़ा मुद्दा हो, मेडिकल इश्यू है। अब ये देखिए, ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो लाइट्स हम स्विच ऑफ करेंगे इससे कोरोना वायरस दूर भाग जाएगा। लगभग ये यही बात कह रहे हैं। एक डॉक्टर इस तरह की बात कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे इस प्रोपेगेंडा का समर्थन करना है। सुनिए आप। अगर हम सब लोग कलेक्टिवली सोचेंगे कि हमारे शरीर के ACE2 रिसेप्टर्स पे कोरोना वायरस ना जमे, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विल मेक श्योर कि ऐसा होगा। आइए हम सब लोग मोदी जी की इस बात का पालन करें। बात यहां नहीं रुकती है, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कल सुबह 9 बजे देश को संबोधित किया, उससे पहले एक न्यूज चैनल कुछ सवाल पूछ रहा था। पहला सवाल, कोरोना के खिलाफ देश की तैयारी की जानकारी देंगे मोदी, लॉकडाउन की दिक्कतों का समाधान सुझाएंगे, देश के हालात संभालने के लिए संवैधानिक कदमों की जानकारी देंगे। बहुत अहम सवाल है जो यह न्यूज चैनल पूछ रहा था, मगर जैसे ही प्रधानमंत्री ने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जानते हैं उन्होंने क्या किया आपके स्क्रीन पर, कोरोना के खिलाफ दिवाली।
मैं ये मुद्दा आपके सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी और जब एक चैनल ये तमाम सवाल उनसे कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस घोषणा के बाद आप उन्हीं सवालों को फिर से रखें कि हमने आपके सामने ये सवाल रखे थे। मगर ये क्या करते हैं, जैसी घोषणा खत्म हो जाती है, जिसमें इन तमाम मुद्दों का प्रधानमंत्री ने कोई घोषणा की, नंबर एक उन्होंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर कोई अपील नहीं की उन्होंने, नंबर दो इसका दूरगामी असर हमारी इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा, इसका कोई जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया, नंबर तीन जो गरीब हैं, जो पहुंच चुके हैं अपने गांव में, जिनके सामने एक अंधकारमय भविष्य है, उस पर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। यह सवाल किसे पूछना चाहिए, मेरे जैसे पत्रकारों को पूछना चाहिए, यह चैनल पूछ रहा था मगर बाद में वो पलट गए। और दूसरी तरफ जैसे मैं बता रहा हूं ना, एक प्रचार तंत्र चल रहा है, आपने देखा होगा वो स्क्रीनशॉट चल रहा है कि 5 अप्रैल चौथा महीने 9-9-9 की अहमियत की बात की जा रही है, यानी कि हम अपनी जग हसाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहीं पर यह नहीं कहा कि इसके जरिए कोरोना का इलाज होगा, मगर एक पूरा प्रचार तंत्र शुरू हो गया है पूरी गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जिसमें हमारी साख पर असर पड़ रहा है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, माननीय सांसद मनोज तिवारी ये सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दे रहे हैं इस वीडियो के जरिए। आप ये वीडियो खुद देखिए और आप खुद ये फैसला कीजिए कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग दरअसल है कहां। ये तभी जरूरी है जब आप भीड़ भाड़ में जा रहे हो या किसी हॉस्पिटल। सैनिटाइज करा दो, सैनिटाइज प्लीज मैडम। आ गया इस वीडियो को दिखाने का मकसद क्या है, मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद यह है कि लगातार ये बात सामने उभर कर आ रही है कि हम लोग बुनियादी चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हमने तबलीगे जमात को टारगेट किया, मगर रामनवमी के दिन भी पश्चिम बंगाल के बर्धवान में या उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, जबकि सरकार यह संदेश दे रही है सोशल डिस्टेंसिंग को, लेकर जनता को परवाह ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी तरह का अंकुश भी डालेगी इन पर, क्योंकि धर्म जो होता है वो हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा से कहीं ऊपर है। तबलीगी जमात ने इसी तरह से नियम कानून की अनदेखी की, अब यही बात यहां पर सामने उभर कर आ रही है। बुनियादी मुद्दों से हम दूर हैं, इस खबर पर गौर कीजिए जो क्विंट ने की है। क्विंट की इस खबर के मुताबिक हमारी सरकार ने कम से कम 5 हफ्तों की देरी की, क्योंकि जब यह संकट सामने था तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि जो तमाम जरूरी चीजें हैं, यानी कि जो ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, इन सबके मैन्युफैक्चरिंग में हमें तेजी दिखानी चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ नहीं कहा। हुआ क्या, जो सरकार को जो मशवरा दे रहे हैं ये है संजीव, जो कि चेयरमैन ऑफ प्रिवेंटिव वेयर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उनका क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। इंडिया लॉस्ट अराउंड 5 वीक्स इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ पीपीईज इफ वी वुड हैव बीन प्रोवाइडेड विद द स्पेसिफिकेशंस एंड द बेसिक नंबर्स ऑफ स्टॉक पाइलिंग रिक्वायर्ड, वी वुड हैव सेट टारगेट्स एंड मैनेज्ड अकॉर्डिंगली। अब संजीव ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार से संपर्क किया था, मगर सरकार ने, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क किया था, मगर सरकार ने या स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। और क्या आप जानते हैं कि क्विंट ने इस बयान के ऊपर सरकार से भी संपर्क साधा है, स्वास्थ्य मंत्रालय से भी संपर्क साधा है, मगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब आप मुझे बताइए, आप थाली बजाइए, आप मोमबत्ती भी जलाइए, मगर जो बुनियादी चीजें हैं आप उससे पीछे कैसे हट सकते हैं।
अब इस खबर पर गौर कीजिए जो हमने यहां न्यूज क्लिक में भी की थी। इस खबर में जो बात की गई है वो बहुत ही चिंताजनक है। इस खबर के मुताबिक एम्स के कुछ डॉक्टर्स का दावा है कि जो 50 लाख रुपए पीपीई के लिए थे, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए, उसे प्रधानमंत्री केयर्स पीएम केयर्स की तरफ उसे डाइवर्ट कर दिया गया था। पीएम केयर्स क्या है आप जानते होंगे, पीएम केयर्स जो कि इस वक्त कोरोना संकट से लेकर प्रधानमंत्री का एक फंड है जो शुरू हुआ है, मगर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए 50 लाख रुपए थे उसे डाइवर्ट कर दिया गया पीएम केयर्स को लेकर। क्या ये सवाल नहीं होने चाहिए, बताइए, क्या ये सवाल उठाना गलत है? जाते जाते मैं आपके सामने खबर बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं हरिद्वार में करीब 1800 गुजराती फंसे हुए थे, 1800 गुजराती, और हरिद्वार से लेकर उन्हें गुजरात पहुंचा दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो हैं वो सक्रिय हुए और उन्होंने उन्हें बचाया। यह भी बताया जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह का भी हाथ था उन्हें बचाने में, बहुत अच्छी बात है। मगर अब मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश करना चाहता हूं। 13 साल की लड़की अपने मां के साथ चलकर जा रही है। आप जानते हैं यह कैंसर पीड़ित है, यह लड़की कैंसर पीड़ित है और यह एम्स से दोहला कुआं तक एक बस में गई, मगर अब दोहला कुआं से वो पुष्कर जा रही है पैदल। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि अपनी मां के साथ चल रही है, इसके पांव में कैंसर है मगर इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और हां, न्यूज क्लिक के चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार।